रविवार को ब्रह्म कुमारी विश्व शांति सरोवर वुमन अचीवर्स आइकॉन ऑफ विदर्भ कार्यक्रम का रंगारंग आगाज हुआ। यह आयोजन 24 स्टार प्राइड क्लब और डॉक्टर रिचास यूनिक क्लिनिक की ओर से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर थे NBCN न्यूज। ब्रह्म कुमारी विश्व भर में फैला हुआ एक ऐसा आध्यात्मिक संस्थान है जो व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नव निर्माण के लिए समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले क्षेत्रों में गैर सरकारी संस्थान के रूप में आज ब्रह्म कुमारी स्थापित हो चुका है। हालांकि उसकी वास्तविक प्रतिबद्धता व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण में भौतिकता से आध्यात्मिकता में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करती है। इससे व्यक्तिगत गरिमा के निर्माण करने में आत्मा को मदद मिलती है। ब्रह्म कुमारी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत के माउंट आबू में स्थित है। रविवार को नागपुर में पहली बार ब्रह्म कुमारी विश्व शांति सरोवर में महिला दिवस के खास मौके पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। महिला दिवस के खास मौके पर आइकॉन ऑफ विदर्भा ब्रह्म कुमारी मान सरोवर में आयोजित किया गया था, जिसकी जानकारी डॉक्टर रिचा जैन ने BCN को दी। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आयोजित यह 11th एडिशन आइकॉन ऑफ विदर्भा, जिसमें लास्ट 10 ईयर से NBCN न्यूज चैनल हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है। ये 11th ईयर है जब हम पूरे विदर्भ से वुमेन्स को बुला रहे हैं और वुमेन्स का सम्मान एक अवार्ड के रूप में यहाँ पर करते हैं। आज यहाँ पर जो आइकॉन ऑफ विदर्भ आयोजित किया गया है वो स्पेशल इसलिए है कि आज का आइकॉन ऑफ विदर्भ हमने यहाँ पर विश्व शांति सरोवर ब्रह्म कुमारी जी के साथ में आयोजित किया है। ब्रह्म कुमारी जी का आज ये बहुत बड़ी बात है कि इसमें हमारे पास रशियन की सेंटर की जो हेड है चंद्रकांता दीदी, वो हमारे साथ में हैं। साथ में डॉक्टर सविता दीदी, वह हमारे साथ में हैं। उनका लेक्चर आज यहाँ पर होने वाला है। रजनी दीदी, मनीषा दीदी, और आज यहाँ पर पूरे जब अवार्ड स्टार्ट किया गया था तो पूरे 11 विदर्भ के जो हमारे इस सिटीज़ हैं उससे नॉमिनेशन बुलाया और उन नॉमिनेशन में से आज यहाँ पर लगभग 12 लोगों को आइकॉन ऑफ विदर्भ वुमेन्स अवार्ड दिया जा रहा है। 8 लोगों को एप्रिसिएशन अवार्ड दिया जा रहा है। महिला मंडल का यहाँ पर आज स्पेशल सम्मान किया जा रहा है और लगभग 60 नॉमिनीज हमारे पास आए। विनर छोड़ के जितनी नॉमिनीज हैं उनका यहाँ पर स्पेशल आज यहाँ पर फेलिसिटेशन होने वाला है। तो मैं ये मानती हूँ कि वुमेन्स का सम्मान करने से आज वुमेन्स में अपनी कार्य क्षमता बढ़ती है। आज हर क्षेत्र में वुमेन्स अपनी कार्य कर रही हैं और जब उन्हें इस तरह का प्रोत्साहन मिलता है तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। NBCN न्यूज़ चैनल, कविता सिंघानिया जी, ई भगवती इलेक्ट्रॉनिक, सोनल जायसवाल, इनका विशेष सहयोग मुझे यहाँ मिला। श्री दिगंबर जैन महासमिति, पुलक मंच परिवार, डेंटल एसोसिएशन, लायंस क्लब नागपुर साउथ और अग्रवाल समाज से संदीप जी भाई, उन सब का सहयोग मुझे मिला, उसके लिए मैं दिल से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वुमेन्स डे के अवसर पर महिलाओं को सम्मानित करना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस अवसर पे बहुत से लोगों का विशेष सहयोग रहा है, ऐसी बात भी रिचा जैन द्वारा कही गई। आपको बता दें कि डॉक्टर रिचास यूनिक क्लिनिक साथ ही 24 स्टार प्राइड क्लब कोलैबोरेशन विद ब्रह्म कुमारी के द्वारा आयोजित इस वुमेन्स अचीवर्स आइकॉन ऑफ विदर्भा सम्मेलन में हजारों की तादाद में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। NBCN की ओर से कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।